दो देवी और सजो। इधर हम आए हैं समंदर कट्टा लेक शिराज भाई के साथ। तो भाई इट्स 8:55 और भाई लोग रोड पर वेट कर रहे हैं। बताऊं भाई लोग, अभी बताते हैं। तो देवी और सजन लाइफ हम शुरू करते हैं। छोले खा के लेकिन आप जैसे देख सकते हैं कि मौसम ट्रैंक हो गया और पानी सारा खत्म हो गया। समंदर कट्ठा के कुछ ऐसे दिलों को थाम के बैठो, मैं आपको समंदर कट्ठा लेक दिखाने जा रहा हूँ। आपने बस हंसना नहीं है, सही है। ये टोटल लेक है, मतलब मैंने पिक्चर्स देखकर एक्सपेक्ट किया था कि छोटा होगा, लेकिन ये तो मेरी एक्सपेक्टेशंस के खिलाफ है। ये तो बहुत छोटा है। झील सैफल मलूक क्रॉस कर गया ये लेक। या वो तो झील सैफल मलूक तो बहुत बड़ा है भाई, इसके सामने ये उसका बच्चा भी नहीं है। यार बस अगर नहीं आना यार, इधर नहीं आना। हाँ, मैं नहीं रिकमेंड करूंगा आपको ये जगह। और अगर तो क्या बोलना था, भुला दिए। हाँ, और जो यहाँ के रिहायशी हैं वो बता रहे हैं कि ये अभी कंप्लीट नहीं है, ये अभी कंप्लीट होगा लेक। और वो जो गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं खड़ी हुई आपको, वहाँ तक ये जाएगा लेक। तो देखते हैं क्या माहौल बनता है आगे का। वैसे तो इस जगह का बकवास ही रिव्यू मिला था, मतलब अच्छी फीडबैक नहीं मिली थी। बट यू नो व्हाट, जब तक अपनी आंखों से ना देख यकीन नहीं करना। क्यों साहब भाई, सही बात है यार। अब यकीन आया कितनी बकवास जगह। यहाँ हम थोड़ी सी हाइकिंग टाइप चीज पर मारी, और ये तो घर है। मुझे लगा ऊपर से व्यू कोई निहायत ही हसीन होगा, क्योंकि एक ट्रैक बना है बकायदा। ये पहले यहाँ पर वेट होता है 60 के अंडर, वेट अलाउ है। अब्दुल रहमान भाई आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ आधा एक बारी भेजो, आधा एक बारी। इनका साइज आप देख सकते हैं। यार जिप लाइन का बहुत सुना था, लेकिन इनकी जिप लाइन भी सस्ती सी है, मतलब वैसे महंगी है, देखने में सस्ती सी है। ये एक छोटा सा पिलर है जिसके साथ ये वायर बांधी हुई है, ताकि ये पिलर नीचे को ना लुढ़क जाए। और यहाँ से बंदे को बांध के पहले उसको पकड़ के रखते हैं, जब वो कहता है छोड़ दो
को छोड़ देते हैं। और ये यहाँ तक है ये जिप लाइन। यहाँ से जब बंदा जिप लाइन पे सूटी मारता हुआ आता है, यहाँ से ये भाई हैं ये यहाँ पे खड़े हो जाते हैं और बंदा इससे टकराते ही उसको स्लो डाउन करते हैं और यहाँ पर लैंड करा देते हैं। 100-200 ज़्यादा लेकर लैंड करा देते हैं। और इतनी सी जिप लाइन का ये 500 कह रहे हैं। भाई मेरे पैसे हलाल के हैं, मैं यहाँ हराम नहीं करना चाहता। तो नाज़रीन 8 अगस्त को इसका इफ्तिताह हुआ है और बोटिंग जिप लाइन तो है, कैंपिंग कहीं नज़र नहीं आया, फिशिंग कोई कर नहीं रहा है, ये जो भी लिखा है इसका नहीं पता, आर्चरी है नहीं, माउंटेन साइकिलिंग भी नहीं है, बहरहाल समुंदर का था लेक। साथ भाई कैसी जगह? सैफ भाई पाक अल्फाज यार, इस पर आए ना कि टाइम जाया करने वाली बात है और पैसे भी जाया करने वाली बात है, वही ना कह रहे। इस जगह से एक्सपेक्टेशन जैसी थी बिल्कुल वैसी थी। ये भाई हमें लेकर आया, हम समंदर खुट्ठा हम सब का जो भड़ास है दिवालिया है वो सब इधर ही निकलती है और जाएगी। जी जवाद भाई आप क्या कहना चाहेंगे इस जगह के बारे में? यार नहीं, शर्मिंदगी तो आपकी शक्ल पे महसूस हो रही है, इसके अलावा आप कहना क्या चाहेंगे? ऐसा समझे कि जैसे आपके साथ बहुत शर्मिंदा जाहिर हो रही है, पर आप कहना क्या चाहेंगे? कहना मैं ये चाहूंगा कि लेकिन आपने रोना नहीं है, पर आप कहना क्या चाहेंगे? अच्छी जगह है, आप जरूर आए यहाँ। ये अच्छी जगह है, एक बार आप मेरी आंखों में आंखें डाल के बोलिए दोबारा, ये अच्छी जगह है? ये अच्छी जगह है, आप यहाँ पे जरूर आइए। सुना सुनो, और दिन भी क्या दिन थे जब हम तूतों की छांव तले इश्क लड़ाया करते थे, वो पांडे मांझा करती थी हम मजन लाया करते थे। क्या कहने क्या कहने, क्यों पानी का नाम लेकर राजा जी की दिल सताने की बात करते हो, इन्होंने हफ्तों से मुंह नहीं धोया तुम नहाने की बात करते हो। ये हमारे कुछ दोस्त हजरात यहाँ तक पहुँचे में और ये हमें कह रहे ना हो ना हो, लेकिन हम जाएंगे यहाँ से तो देखते हैं रास्ता कैसा। कह रहे बहुत खतरनाक जगह, देखते हैं कितनी खतरनाक है। फाइनली हम वहाँ से ऊपर पहुँचे, जो बंदा कह रहा था ना हो ना हो वो बैठे, और वहाँ से यहाँ तक का जो ट्रैक है थोड़ा मुश्किल था, बिल्कुल सीधा सा, घास है वो थोड़ी सी लिपती है, लेकिन हमने कर दिखाया और यहाँ के सीन आपको दिखाते हैं। डूब गया उसे दुनिया की लहरों से डरना क्या। उस्मान भाई इधर मुंह करके, इश्क में जो भी डूब गया उसे दुनिया की लहरों से डरना क्या। उम्मीदें कुछ बाकी है, पहले भी मुझे कर लेता भाई। ये वो ट्रैक था जो हमने क्रॉस करके और इस ट्रैक पे या तो मैं खुद को संभाल सकता था या फिर इस गिम्बल को संभाल सकता था, मैंने खुद को संभालने को कर दिया। गली की बुलंद पहाड़ियों पर हैं, हर तरफ कोरा ही कोरा है, आप देख सकते हैं।
बस उस्मान भाई से रिक्वेस्ट है कि 100-200 और ले ले और हमें कुछ खिला दे यार, बहुत भूख लगी हुई। देवी और सजनो, ये शिराज भाई। हाय यार, मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ, इनके ब्लॉग्स बहुत बेहतरीन होते हैं। थैंक यू सर भाई, आप मुझे जगह पे होते जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देख कोरे 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 किस तो देव योर सर यो। इधर हम आए समंदर का टाले ट्रिप पे, हम घूम फिर के आ गए इधर डिनर करने। शिराज भाई भी इधर हमारे साथ बैठे हुए और उस्मान भाई बहुत गुस्सा हुए क्योंकि उसको टेंशन हो रही है कि पैसे फंस ना जाए हमसे। और बाकी चिकन आ रही है, चिकन कर रही है, हमें भूख भी बहुत ज़्यादा लगी है क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया हम लोगों ने। अस्सलामुअलैकुम यार, ये शिजू प्रोडक्शन, आई एम अ बिग फैन ऑफ दिस मैन। और सबसे बड़ी बात, इनके साथ आज हम बैठे, हमें बहुत अच्छा लगा, हमारा ट्रिप आज बहुत अच्छा रहा। तो आप सब से गुजारिश है कि शिजू प्रोडक्शन को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह।